तुम्हें नरम दिल और तुम्हें ना मैंने दिमाग ठीक कर देना था इनका क्या हो गया तन्नो? ना। वो देखे ना ऐसे चवल लोग हैं, वो बात पक्की होने की तस्वीरें लड़के को दुबई भिजवाई हैं। तो तो ये अब्बा मियाँ के वो चवल का बच्चा कहता है कि मैंने बिट्टो से नहीं मानो से ब्याह करना है। क्या मेरी बात करवाओ, मैं जरा लड़के के बाप से बात करता हूँ। अरे क्या बात करोगे तुम? हाँ कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता नहीं दे सकता अपनी बहन की जगह, ये बात करोगे? अब्बा उनके कान तो खुलने चाहिए ना। कोई फायदा नहीं है, आदि गैर खानदानी लोग हैं ना। हिम्मत तो देखो इन लोगों की, एक पक्की उम्र के रीठे के लिए हाथ मांग रहे, वो भी मेरी मानो का। इतनी पक्की उम्र का रीठा ढूंढा है क्यों आपने? तेरी बखिया ना मुझे लगता है कुकु से एक मांग रही है, चुप करके बैठा रही है, हमारा आपसी मामला है। आपस का मामला नहीं है तन्नु आपा, उसकी जरूरत कैसे हुई मेरी भांजी का नाम लिया उसने। अरे उस लड़के का अब्बू का नंबर तो दे मुझे, उसके दिमाग की सेटिंग दुरुस्त करके आता हूँ मैं। बस कर जाओ, कोई इस सिलसिले में किसी को फोन नहीं करेगा प्लीज। लेकिन अब्बा, अरे बस कर दो बेटा, मेरी बेटी कोई गिरे हुए खानदान की नहीं है कि लोगों के आगे मिन्नतें करता फिरूं मैं। लो जी बैठे बैठाए नवा पुआड़ा पै गया। तन्नो तुम्हें कहा भी था कि लड़के से मिले बगैर तस्वीर शेयर मत करो, मगर गरीब मुल्ला की अजान सुनता कौन है यहाँ पर? तो तुसी बह के दे लो ना बांगा, पूरा खानदान जो है वो सुन लेगा और बजा लेना साथ में बैठ के पोली पोली टोलकी। अच्छा भाई आप लोग ये सारी डिस्कशन करें, मैं यूनिवर्सिटी के लिए तैयार होने जा रही हूँ। नाश्ता तो कर लो। नहीं मैं ठीक हूँ। ओके अब्बा मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ। असफी नाश्ता तो करके जाओ। भाभी पहली क्लास प्रोफेसर शमसी की है, लेट हो गया ना तो अंदर घुसने नहीं देंगे वो। और सुनो जरा गाड़ी तमीज से चलाना, वो तनवीर साहब बता रहे थे कि बड़े खतरनाक कट मारता है आपका बेटा। हैं? तनवीर अंकल को बोले कभी अपने बेटे पे भी निगाह मार लिया करें, कल चौक पे जुतियां पड़ी हैं उसे ठेले वाले से। वो क्यों? मस्ती कर रहा था, अगले ने खुन्ने सेक दिया। जी अस्सलाम वालेकुम भाभी, इनकार हो गया? अच्छा आप हौसला करें, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। याला खैर कोई नया मसला तो नहीं हो गया? मुझे तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। अच्छा मैं आता हूँ, मैं आता हूँ। ठीक है बिट्टू पापा के रिश्ते से इनकार हो गया। इनकार हो गया मगर क्यों? अब ये तो जाकर ही पता चलेगा। भाई मैं भी चलता हूँ आपके साथ।